हेलो दोस्तों, आज जानते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस टेनिस के बारे में। खेल का आरंभ। टेनिस की शुरुआत फ्रांस में मध्यकाल में हुई ऐसा माना जाता है। उस समय यह खेल इंडोर खेला जाता था। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लैन टेनिस यानी छत से बाहर उद्यान में खेले जाने वाले टेनिस की शुरुआत हुई और बाद में सारे विश्व में लोकप्रिय हुआ। आज यह खेल ओलंपिक में शामिल है और विश्व के सभी प्रमुख देशों के करोड़ों लोगों में काफी लोकप्रिय है। टेनिस की विश्व स्तर पर चार प्रमुख स्पर्धाएं होती है जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई में फ्रांस की फ्रेंच ओपन और उसके दो हफ्तों के बाद लंदन की विंबलडन। सितंबर में अमेरिका में होने वाली स्पर्धा को अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन कहा जाता है। खेल का तत्वज्ञान। टेनिस खेल दो टीमों के बीच गेंद से खेले जाने वाला एक खेल है जिसमें कुल दो खिलाड़ी या चार खिलाड़ी होते हैं। टेनिस के बल्ले को टेनिस रैकेट और मैदान को टेनिस कोर्ट कहा जाता है। खिलाड़ी तारों से बुने हुए टेनिस रैकेट के द्वारा टेनिस गेंद को जाल के ऊपर से विरोधी के कोर्ट में फेंकते हैं। खेल का उद्देश्य। खिलाड़ियों का लक्ष्य गेंद को हिट करके विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में इस तरह से पहुंचाना होता है कि विरोधी खिलाड़ी जवाबी हिट न लगा सके। विरोधी खिलाड़ी का जवाब न दे पाने पर हिट करने वाले खिलाड़ी को पॉइंट मिलता है। खेलने के लिए आवश्यक सामग्री। एक रैकेट। रैकेट सपाट सतह का होना चाहिए जिसका निर्माण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रस्सियों के पार से होता है और स्ट्रिंग समान होना चाहिए। दो गेंद। यह आमतौर पर एक समान बाह्य सतह के साथ पीले रंग का होता है। इसका व्यास 6.35 और 6.67 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। उसका वजन 56.7 और 58.5 ग्राम के बीच होना चाहिए। खेल के नियम। एक टेनिस के शुरू होने से पहले दोनों तरफ के खिलाड़ियों के बीच टॉस होता है। इस टॉस से यह तय होता है कि कौन सा खिलाड़ी सर्विस करेगा और कोर्ट के किस तरफ से करेगा। सर्वर प्रत्येक पॉइंट्स को बेस लाइन के वैकल्पिक तरफ से सर्व करता है। तो यदि सर्वर पहली सर्विस देने में असफल हो जाता है तो उसे सर्व करने का दूसरा मौका मिलता है। दूसरी बार ऐसा होने से सर्व करने वाले खिलाड़ी को दो फॉल्ट्स का सामना करना होता है और उससे पॉइंट्स जाते हैं। सर्व कर लेने पर गेंद यदि सर्विस कोर्ट में रह जाए तो बिना किसी पेलांटी दंड के सर्व करने का एक और मौका मिलता है। तीन रिसीवर अपनी कोर्ट में गेंद रिसीव करने के लिए कहीं भी खड़ा हो सकता है। यदि गेंद को सर्व बाउंसिंग के बगैर मारा जाता है तो सर्वर को पॉइंट मिलता है। सर्विस करने के बाद दोनों प्रतिनिधि खिलाड़ियों के मध्य अनगिनत शॉट्स हो सकते हैं। इस बीच जो खिलाड़ी अपने विरोधी दल के स्कोरिंग भाग में गेंद पहुंचाने में असफल होता है तो उसके विरोधी खिलाड़ी को उसके पॉइंट्स मिलते हैं। चार मैच पॉइंट्स सेट पॉइंट्स के एक निश्चित आंकड़े को पार करने के बाद मिलता है। 15 स्कोर पर एक पॉइंट, 30 स्कोर पर दो और 40 पर तीन पॉइंट्स होते हैं। एक मैच जीतने के लिए चार पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पांच यदि किसी गेम में दोनों तरफ के खिलाड़ी का स्कोर 40-40 हो जाता है तो इस परिस्थिति को ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस होने पर जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को लगातार दो पॉइंट्स बनाने होते हैं। ड्यूस के बाद यदि कोई खिलाड़ी लगातार दो पॉइंट्स नहीं जीत पाता और दोनों एक एक पॉइंट पर होते हैं तो वह फिर से ड्यूस की स्थिति में चले जाते हैं। छह किसी सेट को जीतने के लिए खिलाड़ी को 6 खेले 2 या 2 से अधिक की बढ़त के साथ जीतनी होती है। किसी तरह यदि ओपनिंग सेट की परिस्थिति 6-6 की हो जाती है तो इसे टाई ब्रेक कहा जाता है और खिलाड़ियों को सातवें खेल के लिए खेलना होता है। इसके बाद खिलाड़ियों को बिना किसी टाई ब्रेक के खेलना होता है। 7 यदि खेल के दौरान कोई खिलाड़ी नेट को हाथ लगाता है या अपने विरोधी खिलाड़ी को परेशान करता है, उसका ध्यान खेल से हटाना चाहता है तो ऐसा करने से खिलाड़ी खुद ब खुद पॉइंट्स हारता है। लाइन के अंदर किसी भी जगह पर गेंद गिरने पर उसे बॉल इन और लाइन के बाहर गिरने पर उसे बॉल आउट कहा जाता है। 8 गेंद को कोर्ट के सही भाग में न वापस करने पर खिलाड़ी पॉइंट्स हारता है।
इसके अलावा गेंद नेट पर हिट करने से विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में न पहुंचा पाने की स्थिति में या अपने कोर्ट में गेंद के दो बार टप्पा खाने से पहले नहीं मारने पर खिलाड़ी पॉइंट्स हारता है। टेनिस के संबंधित अधिक जानकारी। एक एस, जब कोई खिलाड़ी एक ऐसी सेवा करता है जो प्रतिद्वंद्वी का जवाब भी नहीं दे सकता है। दो अप्रोच, ऐसा तब होता है जब खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी के कदम के आयाम को कम करने के लिए, खेल को बंद करने की कोशिश करने के लिए, नेट के नजदीक जाने के लिए कदम बनाता है। तीन बैकहैंड, जिसमें एक हथेली से पहले हाथ के पिछले हिस्से के साथ शरीर के चारों ओर रैकेट को घुमाता है। चार ब्रेकिंग, यदि आप सेवा कर रहे हैं और आप खेल खो देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्रतिद्वंद्वी ने आपकी सेवा को तोड़ दिया है। पाँच ब्रेक पॉइंट, खिलाड़ी खेल जीतने के बिंदु पर होता है जब विरोधी खिलाड़ी सेवा कर रहा है। छह रन, क्षेत्र के पृष्ठभूमि से ब्लो करना। सात रिडक्शन, जब खिलाड़ी वैध सेवा नहीं करता है, यदि वह लगातार दो फॉल्ट करता है तो उसे प्रतिद्वंद्वी के लिए एक पॉइंट के साथ दंडित किया जाता है। आठ फोरहैंड, रैकेट को इस तरह से रखा जाता है कि अगर कोई रैकेट के बिना गेंद पर प्रहार करे तो यह आपके हाथ की हथेली से टकराएगा। नौ ट्रैप, जब सेवा में गेंद नेट पर फूट पड़ती है और प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र में गिरती है तो यह दोहराया जाना चाहिए। दस पासिंग शॉट, प्रतिद्वंद्वी को पार करने और उसकी पीठ पर गिरने के लिए एक लंबा स्ट्रोक बनाना। ग्यारह एडवांटेज, यदि कोई ड्रॉ होता है तो आपका दांव आधा में विभाजित होता है। तो दोस्तों, ये थी टेनिस के बारे में कुछ जानकारी। ऐसे और खेलों के संबंधित जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ में नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए। धन्यवाद।